सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुम जगत की कृपा की अभिलाषा से जियोगे तो तुमको तुम्हारे लोग भी नहीं चाहेंगे, तब तक मानेंगे जब तक तुमसे कोई लाभ हो रहा है, और आपसे लाभ होना बंद हो गया तो आपको छोड़ देंगे। हमको मोबाइल बहुत प्राणों से ज्यादा प्यारा लगता है, पर जब तक वो हमारा काम करता रहे, खराब होते तुरंत कूड़ेदान में फेंक देते हैं। इस संसार में सबको हम खिलौना मानते हैं, और खिलौना तभी तक प्यारा लगता है जब तक खेल बनाए रखता है, और खेल बिगड़ा खिलौना फेंका। ये स्वजन संबंधी परिजन पुरजन कोई हो, सब खिलौना ही है। अंतर इतना है, कोई हमसे खेल रहा है और किसी से हम खेल रहे हैं। हम खिलाड़ी भी हैं, हम खिलौने भी हैं। किसी से हम खेल लेते हैं तो खिलाड़ी हो जाते हैं, और कोई हमसे खेल जाता है तो हम खिलौने बन करके रह जाते हैं। इस सृष्टि में ऐसा तो दुर्लभ संयोग बहुत कम बनेगा जहां दो लोग दोनों एक दूसरे को बराबर निस्वार्थ भाव से बिना कुछ चाहे प्रेम करते हों। बराबर प्रेम करने वाले नहीं मिले। दो में से प्राय एक ज्यादा कर रहा होगा और एक इसको इग्नोर मार रहा होगा, कहीं देख लेना। और छोड़ो दूसरों की बात तो क्या कहें। बचपन में बालक कहता है, जब छोटा होता है उसे स्कूल भेजने की बात करो और कहीं हॉस्टल भेजना हो तो रोता है, बिलखता है, माँ से चिपट जाता है, तेरे बिना तो नींद ही नहीं आती है, तेरे बिना तो खाऊंगा ही नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा होता है कि नहीं? छोटा बच्चा चिपट जाता है, स्कूल नहीं जाता, हॉस्टल नहीं जाता और बहुत रोता है, और थोड़े दिन हॉस्टल में रह करके वहाँ की हवा लगे तो फिर माँ को ही भूल जाता है। और थोड़ा बड़ा हो जाता है, 20-20 साल के आसपास का, तो किसी और से कह रहा होता है, तेरे बिना नींद नहीं आती है, तेरे बिना चैन नहीं आता है। माँ झूठा, बचपन में माँ से कहता था तेरे बिना मन नहीं लगता, तेरे बिना नींद नहीं आती, तेरे बिना चैन नहीं आता, फिर किसी और से कह रहा होता है। माँ बेचारी फोन लेकर के बैठी, आज आया नहीं है, मैं कॉल करती हूं तो बिजी जा रहा है। उसे क्या पता कि बिजी मोबाइल नहीं जा रहा, भाई साहब ही बिजी हैं। खूब फुर्सत में हो तो उनको लगता है माता पिता बार बार फोन करके बहुत डिस्टर्ब करते हैं, और कभी कभी तो बड़बड़ाता हुआ बालक बोल भी जाता है, क्या हर समय क्या पागलपन है ये, तुम पे कोई और काम नहीं है क्या? अरे मैं बहुत बिजी हूं, मेरी क्लास चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है। ये बात इसलिए कह रहे हैं, यदि आपके अंदर ये बात हो कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन करके राजी खुशी लूँ तो बिना प्यास के पानी लेकर के जाओगे तो फिर पानी के सहित अपना भी तिरस्कार कराओगे। संबंधों में इतनी समझ को विकसित करो कि हमको उनकी ज़रूरत है, मोह के अथवा आसक्ति के कारण तो उनको भी तो हमारी आवश्यकता होनी चाहिए ना। यदि मैं चार बार फोन करता हूं तो कम से भी कम दो बार उसका भी तो आना चाहिए ना। और सारे दिन 10 कॉल कर दोगे, 20 कॉल कर दोगे और उसको कोई परवाह ही नहीं है तो तुम अपने स्थान पर कमजोर हो जाओगे। इसे मोह कहते हैं, इसे आसक्ति कहते हैं, इसे बंधन कहते हैं।